नमस्कार जी, स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं बिस्किट की रेसिपी। ये हमने बदोट माइक्रोवेव से बनानी है, तो इसके लिए हमने एक कटोरी रिफाइंड तेल ले लिया है और उसी कटोरी का नाप हमने एक चीनी ले ली है। अब हमने इसको अच्छे से इसमें रिफाइंड तेल में अच्छे से घोल बना लेना है इसका। अब हमने रिफाइंड को और पीसी हुई चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, हमने अच्छे से घोल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उसी कटोरी का नाप लेके दो कटोरी मैदा। मैदे को हमने छान के ले लिया है। एक चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको मैदे को भी इसमें चीनी और रिफाइंड में अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसका हाथ से आटे जैसा डो बना लेंगे। ऐसे करके इसको हमने अच्छे से हल्के मुलायम हाथ से हमने इसको इसका डो बना लेना है। अब हमने मैदे का अच्छे से डो बना लिया है। अब हम इसके बिस्किट बनाएंगे। अब हम एक थाली लेंगे, इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। अब हम इसको इसमें जो हमने बिस्किट बनाने हैं वो हमने इसमें रखने हैं, तो इसके लिए हमने बटर पेपर रख लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप तेल लगा के भी इसको रख सकते हैं। अब हम चकला लेंगे अपना, इसमें हम हल्का सा तेल लगा लेंगे ऐसे करके। और अब हम जो मैदे का डो बनाया है उसका हमने ऐसे पेड़ा लेके गोल गोल घुमाएंगे और ऐसे करके इसके ऊपर हम ऐसे करके रख देंगे। और हथेली के ऐसे हथेली की सहायता से हम इसको नीचे को ऐसे दबाते रहेंगे। अब ये साइड में फटता है, आप इसकी टेंशन मत लें, क्योंकि ये हमने तेल में ही बना रहे हैं तो इसलिए ये फटता है। अब हमारा ये गोल आकार में बन गया है। अब हम एक ढक्कन की सहायता से इसके ऊपर ऐसे करके दबा देंगे। अब ये हमारा गोल बिस्किट बन गया है। अब हम साइड से इसको हटा लेंगे। अब हम इसमें लगा देंगे बीच में एक काजू। आप काजू लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब हम इसको धीरे से इसकी सहायता से इसको ऐसे करके उठा लेंगे। ऐसे करके आप हाथ से इसको गोल कर सकते हैं। ये देखो हमारा एक बिस्किट बन गया है। अब हमने ऐसे ही दूसरा बिस्किट भी बना लेना है। ऐसे करके हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हम इसको हथेली के सहायता से ऐसे करके फिर इसको हम बराबर करके दबा लेंगे। अब हमने फिर इसको ढक्कन की सहायता से इसको ऊपर से दबा लेना है। आपके पास ढक्कन नहीं है तो आपके पास कटर हो तो आप उसके साथ भी काट के बना सकते हैं। अब हम अभी हमारा बिस्किट बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक बादाम लगा देंगे। अब हम बादाम भी है तो बादाम भी आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही आप धीरे से इसको साइड को ऐसे करके हाथ से उठा सकते हैं। ये देखो कितना अच्छे से हमारा बिस्कुट उठ गया है। अब हम इसको भी इसमें प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही हमने सारे बिस्किट थाली में बना के रख लेने। हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हमने स्टैंड रख लिया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको हमने स्लो गैस पे इसको फ्री हीट कर लेना है 5 मिनट तक। अब हमने कढ़ाई को 5 मिनट के लिए फ्री हीट कर लिया है। अब हमारी ये अच्छे से कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हमने जो
बिस्किट बनाए हुए हैं वो हम प्लेट इसमें रख देंगे। आराम से रखना क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है, ऐसे धीरे से रख देना। अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए हम इसमें बेक कर लेंगे, बीच में बिल्कुल भी नहीं हम एक बार चेक करेंगे। बार बार चेक करते हैं तो इसकी जो हीट होती है वो निकल जाती है, तो उसमें पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हमने बिस्किट को 15-20 मिनट के लिए रखा था, पर हमारे 25 मिनट लगे हैं। अब हमारे बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं, अब हम ठंडा होने पे इनको सर्व करेंगे। अब ये हमारे बिस्किट खाने के लिए तैयार हैं। देखो हमारे कितने अच्छे से बिस्किट बने हुए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में रख देंगे ऐसे करके। अब ये हमारे बिस्किट खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।